obstruction of justice. जस्टिस के इंसाफ के रास्ते में रुकावटें डालने में पूरी कोशिश की, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की, इसके वजीरों ने नहीं की, इन्होंने इदारों से गलत काम कर। शुक्र अदा करता हूँ, खास शुक्र अदा करता हूँ अलहक है वो, उसका वादा है कि जब इंसान मेहनत करता है तो आखिर में सच सामने आ जाता है। बड़ा इनसे हर किस्म की इनकी बुरी जुबान सुनी, अपने खानदान मेरे रिश्तेदारों के ऊपर अटैक सुने जिनका कोई काम ही नहीं सियासत में, इन्होंने मेरे ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें की, मेरे करीब जो लोग थे उनके ऊपर केसेस किए, धमकियां दी, नैब में सुप्रीम कोर्ट में केस किया डराने के लिए, पता नहीं इलेक्शन कमीशन में कितनी दफ़ा केसेस, कितने केसेस किए हुए हैं, ब्लैकमेल करने के लिए, अपनी चोरी छुपाने के लिए, मुल्क के इदारे तबाह किए अलहदा, मुल्क के इदारों की क्रेडिबिलिटी खत्म की, नैब का चेयरमैन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो कह चुका है, और जो आज हिजाजी के ऊपर ये जो एससीसीपी का चेयरमैन है उसके ऊपर क्या इल्जाम है, उसने चौधरी शुगर मिल के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन थी मनी लॉन्ड्रिंग की, मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि जब ये कहते हैं ना हमारा कसूर क्या है, इनका जो पाकिस्तान कौम को सबसे ज्यादा तबाह कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग, वो इनका कसूर है। करप्शन एक चीज है, मैं फिर से बताना चाहता हूं, करप्शन एक चीज है कि आप जब इक्तदार में आके पावर में आके आप जब कौम का टैक्स का पैसा चोरी करते हैं करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग उस करप्शन के पैसे को जब बाहर भेजते हैं डॉलर लेके, उससे बड़ा जुर्म है, उसकी वजह से क्या होता है,